कितना बड़ा त्यौहार है, जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है। ये हमारे हाजी फिरोज खान का बच्चा की अगुवाई में ये साथ बहुत खुशियों से मनाया जा रहा है। दुनिया पूरी दुनिया में ऐसा त्यौहार नहीं है। कितना लंबा यात्रा रहेगा? बहुत लंबा यात्रा है यहाँ का। ये प्रसाद हर जगह लंगरे रसूल बांटा जा रहा है। आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए फोर अवध के साथ। आज के दिन काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है और प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हम आए हैं रौनाही और सुहावल क्षेत्र में। काफ़ी भव्य दिव्य से 12 रबी अव्वल मनाया जा रहा है। यहाँ से पूछेंगे यहाँ के लोगों से। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सर ये बताइए, आज के त्यौहार के बारे में बताइए, आज कितना बड़ा त्यौहार है? जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है। आप लोगों को दिली मुबारकबाद हम लोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये अगुवाई मुफ्ती मुर्तजा खान साहब और गब्बर भाई की अगुवाई में ये जुलूस निकला है रौनाही से। ये पड़ाव से होता हुआ, चौराहे से पड़ाव से होता हुआ ना पूरा करेगा। आज का त्यौहार के बारे में और कुछ बताइए इसके बारे में। जी ये हमारे हुजूर की विलादत का वक्त है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है, जो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से जुलूस निकाल कर अपना मना रहे हैं। गूगल में हमने सर्च किया, आज के दिन बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, इसके बारे में क्या कहिए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका की विलादत का दिन है आज। आज के दिन हमारे नबी तशरीफ़ लाए थे, जिनके लिए दुनिया बनाई गई अल्लाह ने जी। हजरत मोहम्मद का आज का दिन जन्म भी हुआ था। जी जी, आज के ही दिन पैदाइश का वक्त है। और आज का दिन हमने गूगल में सर्च किया, समराज में त्यौहार का प्रथम सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता जी, है आज जी, का दिन। जी ईदों की ईद है ये आज। जी आज सबसे बड़ा त्यौहार है। सारा बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आज का दिन बहुत बड़ा त्यौहार के मामले में यहाँ बताइएगा। आज जश्न ईद मिलादुन नबी है। ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इससे हमें अमन और चैन की सबको पैगाम जाता है। ये हमारे हाजी फिरोज खान का बच्चा की अगुवाई में ये सारा हम लोग प्रोग्राम करे हैं और इसके माध्यम से हम सभी देशवासियों को दिल की मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज संसार का सबसे बड़ा त्यौहार है, त्यौहारों का बड़ा त्यौहार है, आपके मुस्लिम धर्म में माना जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, जिनके सदके तुफैल में पूरी दुनिया बनी है, अब उन्हीं की पैदाइश है, तो इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है, आप भी बताइए। हाँ बात सही है। आज 12 रबी अव्वल के मतलब कि आज बहुत बड़ा यात्रा निकलने वाला है। काफ़ी बड़ा यात्रा निकलने वाला है, इसके बारे में क्या? जी बहुत बड़ी यात्रा निकली है यहाँ अल जामतुल इस्लामिया रौनाही से, मुफ्ती साहब की अगुवाई में और हाजी फिरोज खान गब्बर भाई की अगुवाई में ये जुलूस यहाँ से निकला है। पड़ाव से होता हुआ थाना रौनाही से सौल चौराहे से होता हुआ पूरा गांव का भ्रमण करके। तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ जुलूस? अल जामतुल इस्लामिया रौनाही। हर साल जी जी, हर साल ऐसे होता है यहाँ से। और यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हैं हर चौराहे पे प्रोग्राम होता रहता है। हम सभी जनों को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं अमन सुकून के साथ। यही बस हम पैगाम देना चाहते हैं। यहाँ से बात करते हैं सर, आज के बारे में कुछ खास बताइए। आज के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और यहाँ पे जो आज यात्रा निकलने वाला है, जुलूस निकलने वाला है काफ़ी भव्य से जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा यात्रा निकलने वाला, बहुत खुशियों से मनाया जा रहा है। और इसके बारे में कुछ कहिए, आज के खास भंडारा भी किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत जहाँ प्रोग्राम है और खाने पीने के इंतजाम है और प्रोग्राम भी मनाया जाता है यहाँ इस त्यौहार में। जी हमेशा मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है जी। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, आज के बारे में कुछ खास बताइए। आज का त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है संसार का, सबसे दुनिया पूरी दुनिया में ऐसा त्यौहार नहीं है किसी का जितना अच्छा त्यौहार हमारा है। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, संसार का सबसे बड़ा त्यौहार, आपने गूगल में सर्च किया है। हमारे वली जो है आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी हैं। आज के बारे में और कुछ खास बताइए। अरे सब ठीक है, देखिए मजमा देखिए, इधर भीड़ लगा हुआ है। जुलूस कब से निकलेगा? जुलूस तो नहीं, जुलूस निकल गया है, 7 बजे से जुलूस निकला हुआ है अभी। अभी यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा बताइए आज के बारे में खास बताइए। आज के बारे में यहाँ बहुत अच्छा जुलूस था, बहुत अच्छा इंतजाम था, बिरयानी था, फ्रूट चाट था, बूंदिया थी, जलेबी था, केला था, पानी था, बहुत अच्छा इंतजाम था यहाँ पे। आज माना जाता है संसार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो बहुत बड़ा त्यौहार ये सबसे माना जाता है। तो यहाँ पर जुलूस निकलेगा, कितना लंबा यात्रा रहेगा? बहुत लंबा यात्रा है यहाँ का। कितना लंबा मतलब कि गांव का पूरा क्षेत्र का यहाँ रहता है। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ के आते हैं, यहाँ बेनीपुर, सिकलौदी, पूरी नौराही, पूरा सब जो है सिकलौदी, हाँ चौराहा पड़ाव सब पूरा यहाँ जुलूस देखने आते हैं। सर यहाँ के बारे में कुछ बताइए खास, जो रौनाही में हर साल मनाया जाता है काफ़ी। हर साल यहाँ मेला लगता है और घोड़ा रेस होती है
और जैन मंदिर यहाँ आते हैं धर्म अपना देखने। हाँ हाँ हाँ। और जैसे त्यौहार होता है ऐसे हर चीज़ यहाँ हुआ करता है। मतलब यहाँ पर जो लंगर बनता है भंडारा होता है इसके बारे में क्या कहते हैं? लंगर यहाँ आता जगह जगह पे देखिए, अब खुद देख लीजिए हर जगह बढ़ रहा है ये। अच्छा। ये प्रसाद हर जगह लंगर रसूल ये बांटा जा रहा है। ये त्यौहार कितने दिन तक होता है? ये दो दिन मनाया जाता है। दो दिन लंगर चलता रहता है? तो 27-28 मान। अच्छा। चांदी 11-12 तारीख को जिस भी महीने पड़े कि 11-12 तारीख को। हाँ। अब बहुत शांति से, बहुत अच्छा त्यौहार से, बहुत शांति पूर्व आप खुद देख रहे हैं कितनी शांति से जुलूस निकाला जा रहा है। वो तो हम देखते हैं, हम तो ये रहने वाले, हर साल शांति से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। 100 सालों से लगभग ये चला आ रहा है। तो यहाँ के बारे में कुछ और प्रोग्राम होता है इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में जो प्रोग्राम कल लंगर रसूल बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा। कहाँ पे हुआ था ये? जामा मस्जिद के पास हुआ। जामा मस्जिद के पास। यहाँ पर रौनक में जामा, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, आइए भैया। यहाँ पर काफ़ी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा हमारे जितना लोग खड़े हैं, यहाँ के बारे में आज के उत्साह के बारे में बताइए, आज क्या है? बहुत बढ़िया है। और आज सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिएगा बारह रबी अव्वल काफी चच्चा रुको, बारह रबी अव्वल मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? रे रुको तो जी बताओ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती दिन है। हाँ। और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, इसी पे हम लोग जीते हैं, इसी पे हम लोग मरते हैं। काफ़ी बड़ा त्यौहार है जी, काफ़ी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। क्या बताइए इसके बारे में? इधर ही आज के त्यौहार के बारे में बताइए। अरे सब ठीक है, क्या है यहाँ के त्यौहार के बारे में बताइए। काफ़ी बहुत बड़ा यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा रुको, आज के त्यौहार के बारे में बताइए, कुछ खास बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है ये यात्रा निकल रहा है, ये कितना बड़ा यात्रा निकल रहा है? पहले से कम है यार, पहले से कम है। आज के त्यौहार के बारे में बताइए, काफ़ी बड़ा त्यौहार। बहुत बड़ी है, सबसे बड़ा त्यौहार यहाँ का है। अच्छा। कहाँ कहाँ लोग, कहाँ कहाँ लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत दूर दूर? हाँ, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार ही माना जाता है, ये माना जाता है। कहाँ कहाँ लोग आते हैं? गाँव ग्राम के मंगलसी चौराहा, मंगलसी चौराहा, रौनाही पूरा, पातिराम पुरवा है, इधर खिरौनी है, तो सुत्तागंज है, समूले आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, काफी लंबी लाइन। हाँ भाई, आज के त्यौहार के बारे में बताइए कुछ खास। आज के त्यौहार के बारे में ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है, इसलिए इसे बनाते हैं। तो मतलब कि आज का, आज कितने देर तक मिलाद? ईद मिलाद। हाँ। कितने देर तक त्यौहार मनाया जाता है? ये 2-2.5 घंटे मनाया जाता है भाई। 2-2.5 घंटे? हाँ। मतलब दो दिन मनाया जाता है, 2-2.5 घंटे? 2-2.5 घंटे मतलब, यह तो मनाया जाता है 3-4 दिन से, मगर आज है 2-2.5 घंटे बनेगा। अच्छा। हाँ। 5:30 तक बच जाएगा यहाँ पर त्यौहार के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आज के त्यौहार के बारे में बताइए खास त्यौहार। आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन था। हाँ। बस और उसके आगे कहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा काफ़ी बड़ा त्यौहार मनाया जाता है आज के दिन। अच्छा, बताइए आज के बारे में, बताइए आज का त्यौहार के बारे में बताइए। आज का हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है। हाँ। आज का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, संसार का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। अगर ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।